लगातार हमसे बने रहे, ऐसा नहीं कि बताए नहीं उन्होंने, कि आधार ही बताए नहीं कि हम जान पाए कुछ काम करें। उन्होंने दिल से हर काम को पेश किए, व्हाट्सएप पे, फोन पे, कॉल पे, कि टीचर क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए हमारी मैडम, टीचर, हम लोग बहुत खुश है और हम दूसरे स्टूडेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी इसी तरह कॉन्टेक्ट में रहे, इसी तरह अपने दिल से काम को पेश करे। मैं तहे दिल से इन बच्चों का और आप पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या करो उसके लिए, पेरेंट्स आप दूसरों की मजबूरी है तो बच्चे बाकी सब भी कनेक्ट रहे, ताकि बच्चों का जो बेस है अभी सेकंड स्टैंडर्ड के फर्स्ट स्टैंडर्ड के, तो उनका बेस मजबूत हो। इसलिए आप लोग भी आपके आस पड़ोस में आप जान पहचान वाले अपने मोहम्मद जी के बच्चे होंगे फर्स्ट टेन तक, उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि ऑनलाइन लेक्चर्स मजबूत हैं तो उसमें बराबर से अटेंड करें और तालीम का नुकसान ना हो, इस बात का पेरेंट्स भी। अब मैं इस बच्चे के स्पेशल बोल रही हूँ, ऐसी बच्ची की ना जिसे सवा टीचर नहीं आए वो। अस्सलाम वालेकुम सबको, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी इतने दिन से मतलब हम सब मिलकर क्लास ले रहे हैं, तो मैंने गौर की हूँ कि ये बच्चे ऐसे हैं कि वो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहे। मैं जब जब मैंने उन्हें बोली कि ये टाइम क्लास है, कभी हो सकता कोई रीज़न की वजह से हमारा टाइम चेंज हुआ हो, लेकिन वो बच्चे वो टाइम पर हाजिर रहे और बराबर मतलब इंटरेस्ट से मुझे पूछते थे कि टीचर आज क्लास है क्या नहीं, अगर से थोड़ा लेट हुआ तो बराबर उनकी कॉल आ जाती। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप पेरेंट्स भी मतलब इसमें इन्वॉल्व है, आप पेरेंट्स भी इनका साथ देते, सपोर्ट देते, तभी वो बच्चे यहाँ तक आए हैं और मैसेज भी करते हैं और बहुत बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप मेरे बेटा ऐसी पढ़ाई पे ध्यान दो, रोज आना आने का ऑनलाइन पे क्लास करेंगे।